मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आज बैसाख पूर्णिमा है। आज से दो हजार पाँच सौ बयासी साल पहले हमारे देश में एक बहुत बड़े पुरुष का जन्म हुआ था। उस समय तो कोई जानता नहीं था कि पैदा होने वाला बालक क्या बनेगा, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और घर द्वार छोड़कर साधु मार्ग में आया, उन्होंने अपने को साधना में तपाया, उसके पश्चात उनके संदेश का प्रचार प्रसार हुआ तो आधी दुनिया तक उनका संदेश फैला। उस महापुरुष को हम तथागत बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं। पाँच सौ तिरसठ ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज नेपाल में पड़ती है। जब उनकी माँ महामाया देवी गर्भावस्था में मायके जा रही थी तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और वहीं पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा सिद्धार्थ। बड़ा हुआ, शादी हुई, एक बच्चा हुआ, लेकिन दुनिया का कोई मोह माया उन्हें बांध नहीं सका और 28 वर्ष की भरी जवानी में राजपाट, सुंदरी युवती पत्नी, छोटा एक बेटा, सब कुछ को छोड़कर उन्होंने त्याग और वैराग्य का मार्ग लिया और साधना में अपने को तपाया, घोर साधना किया। लेकिन उससे सफलता नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। उधर जाऊंगा नहीं मैं। उन्होंने जो कहा, उनके उपदेशों का सार, चार आर्य सत्य। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, महान को, बड़े को। चार श्रेष्ठ सत्य, दुख आर्य सत्य, दुख समुदाय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य और दुख निरोध गामिनी मार्ग आर्य सत्य। दुख ऐसा है जिसे हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते। जन्म दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, हानि अपमान होना दुख है, मृत्यु होना दुख है, प्रिय का वियोग होना, अप्रिय का संयोग होना दुख है। इन दुखों से दुनिया का कौन सा प्राणी बचा हुआ है? दुख तो प्रत्यक्ष है, और अपने अपने ढंग से सब दुखों से बचने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं।
दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा, अपने आप तो दुख पैदा होगा नहीं, दुख का कोई कारण होगा। दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। तथागत बुद्ध ने तो द्वादश निदान बताया है, एक श्रृंखला बताई है, लेकिन उसमें मूल है अविद्या, अज्ञान। एक अविद्या मिट जाए तो दुख के अन्य जितने भी कारण है सब समाप्त हो जाए। अविद्या क्या है? उल्टी समझ। योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, अनित्या सूचि दुखानात्मस नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य, अनात्म, दुख और अपवित्र में नित्य, आत्म, सुख और पवित्र बुद्धि होना अविद्या है। मतलब उल्टी समझ, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना अविद्या है, और यहीं से सारे दुख शुरू होते हैं। तो दुख का कारण है यदि, उस कारण को मिटाया भी जा सकता है। कारण को हटा दो तो कार्य समाप्त हो जाएगा। ये तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। दुख से बचा जा सकता है। तो दुख से बचा जा सकता है, कैसे बचे? दुख से बचने का रास्ता क्या है? अविद्या को दूर करने का रास्ता क्या है? तथागत बुद्ध अष्टांगिक मार्ग का वर्णन करते हैं, आठ अंगों वाला मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक अर्थ होता है उचित, संतुलित, व्यवस्थित। सम्यक दृष्टि का अर्थ है सही ज्ञान होना, पूर्ण ज्ञान होना, जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना। नहीं समझ पाते हैं इसीलिए दुख होता है। जैसे एक आदमी है, आदमी को हम मात्र आदमी समझकर आदमियत का व्यवहार करें तो सम्यक दृष्टि है। आदमी किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का चाचा है, किसी का भतीजा है, किसी का साला है, किसी का जीजा है, किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है, वह एक ही आदमी है। वो ब्राह्मण भी है, कमिश्नर भी है और भी है, तमाम है, लेकिन हटा दो सबको तब क्या है? मनुष्य है बस। हमारा एक कपड़ा है, सिर में बांध लिए पगड़ी, सिर में बांधे तो पगड़ी हो गए, गले में रख लिए साफी हो गया, कमर में पहन लिए टावेल बन गया, बिछा दिए चादर बन गया, इधर उधर दो दो खूंटा गाड़ दिए, एक एक सिरा बांध दिए, एक बच्चों को लिटा दिए तो वही पलना बन गया। तो है क्या वो पगड़ी है कि साफी है कि टावेल है कि चादर है कि पलना? क्या है? कपड़ा है। ये को कपड़ा है ये समझ लेना सम्यक दृष्टि है। ऐसे हर जगह आप ले ले, जो जैसा है उसको वैसा समझना सम्यक दृष्टि। फिर आगे जो वचन है हमारा सम्यक होना चाहिए, उचित। हमारा संकल्प, दुख से बचने की दृढ़ संकल्प वो होना चाहिए। तो हर जगह सम्यक, हर बात में जब हम उचित का करेंगे, मध्यम मार्ग का करेंगे, सही दृष्टि रखकर करेंगे, तो दुख में फंसने का
कोई राग उपाय कोई कारण बचेगा नहीं। तथा बुद्ध का संदेश है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे अमुक महापुरुष ने कहा है, किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह बात अमुक धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है, किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि उसे बहुत सारे लोग मान रहे हैं, और किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह बात हजारों साल से परंपरा से चली आ रही है, किंतु किसी भी बात को तब मानो जब तुम्हारा विवेक उसका साक्षी दे, वह बात विवेकपूर्ण हो, तर्कयुक्त हो, प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था से कसी हुई हो, तब मानो। महापुरुष आदरणीय है, शास्त्र आदरणीय है, परंपरा आदरणीय है, समाज आदरणीय है, लेकिन सबसे अधिक आदरणीय है सत्य, और सत्य को पाने के लिए रास्ता है विवेक तर्क। इसलिए विवेकपूर्ण बात होनी चाहिए, कौन कह रहा है यह मत देखिए, कहाँ लिखा है यह भी मत देखिए, क्या कहा जा रहा है क्या लिखा गया है ये देखिए, और जब आपका कॉन्शस अलाउ करे, आपका विवेक सहमत हो, तब उसे माने। तथा बुद्ध ने जो कुछ कहा है हम उसका सार लेना चाहें तो तीन बातों में है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा का अर्थ है विवेक बुद्धि, अंतर तक देख लेने वाली बुद्धि, किसी बात को गहराई तक समझने की जो बुद्धि, प्रज्ञा वास्तविक बोध। शील जीवन के समस्त शुभ आचरण, और समाधि मन का अंतर्मुख होकर के शांत हो जाना, फिर क्या बचेगा। उनके उद्देश्य का सार एक श्लोक में कहा गया है, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचिद परिप्रयोत्पन्नम एतम बुद्धानुशासनम, सभी पापों को नहीं करना, चाहे वो धर्म के नाम पर हो चाहे किसी के नाम पर हो, कोई भी पाप न करना, समस्त सद्गुण सहचार का आचरण करना, और सचित परियोत्पन्नम अपने चित्त को अपने मन को स्वस्थ रखना, यही बुद्ध की शिक्षा का सार है। ये कोई मत नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, ये मनुष्यता की बात है। दुख से बचना है पाप को छोड़े, सुख पाना चाहते हैं पुण्य का काम करें, पूरी शांति का अनुभव करना चाहते हैं चित्त को अंतर्मुख कर ले, इससे अधिक आपको और क्या चाहिए। तथागत बुद्ध की यही शिक्षा है, और ये शिक्षा हम अपना लें तो न तो जीवन में गड़बड़ी होगी, न परिवार में गड़बड़ी होगी, न कहीं समाज में गड़बड़ी होगी। हम पाप कर्मों को छोड़ नहीं पाते, शुभ कर्मों का आचरण नहीं कर पाते, और हमारा चित्त बिखरा हुआ है, कहीं भी गड़बड़ी है, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, इनका कारण यही है। हम महापुरुषों की पूजा तो करते हैं, लेकिन महापुरुषों की जो वाणी है, उनका जो उद्देश्य है, उनका आचरण नहीं करते हैं, ये गड़बड़। बुद्ध ने ये कहा है अपने शिष्यों को, मुझे मत पकड़ना, यदि मुझे पकड़ लिए तो फिर तुम उलझ जाओगे, मेरे उद्देश्यों को पकड़ना। जैसे हम
किसी नदी को पार करके जाना चाहते हैं, नाव किनारे लगी है, नाव में बैठे, नाव के इस पार से उस पार चले गए। नाव का उपयोग क्या है? नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाना, नदी को पार करना। अब हम नदी को पार कर लिए तो नाव को पकड़ करके बैठ गए, इस यदि ये नाव ना होती तो मैं तो नदी में बह गया होता, डूब गया होता। ये नदी, ये जो नाव है, ये तो बड़ा उपकारी है। नाव को पकड़ने या नाव को सिर पर उठा करके घूमने लगे तो लोग कहेंगे पागल। हम यही करते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, सिर्फ नाव है, उनका सहारा लेकर भव सागर से पार हो जाओ और महापुरुष नाव को छोड़ दो। लेकिन हम पार नहीं करते, महापुरुष को पकड़, नाव को पकड़ लेते हैं। ये हमारे गुरु बस हमारे गुरु कहते कहते समाज को तोड़ने का काम कर देते हैं। नाव का उपयोग है, नाव ना होती तो नदी को पार कैसे करते? लेकिन पार कर लिए, नाव का उपयोग खत्म। इसी प्रकार गुरु का सहारा पकड़ो और गुरु का सहारा पकड़ भव सागर पार हो जाओ, फिर गुरु का आवश्यकता खत्म। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु पूजनी नहीं है, पूजनी है, लेकिन क्यों? गुरु की पूजा उनके शरीर को देख करके करते हैं या गुरु की पूजा उनके ज्ञान को, उनके आचरण को, उनके त्याग को देख कर करते हैं? कोई व्यक्ति शरीर से गुरु नहीं होता, शरीर तो माध्यम है, ज्ञान गुरु है, त्याग गुरु है, आचरण गुरु है, वो पकड़िए। लेकिन हमने नाव को पकड़ लिया, शरीर को पकड़ लिया और वहीं बैठ गए। गुरु के त्याग, गुरु के आचरण, गुरु के उपदेश से हमें कोई मतलब नहीं हो गया। गुरु के पैर पूजे जाते हैं, ठीक है, आवश्यकता गुरु के, आवश्यकता गुरु के चरण पकड़ने की नहीं है, आवश्यकता है गुरु के आचरण पकड़ने की। हम गुरु का आचरण नहीं पकड़ते, गुरु के चरण पकड़ करके बैठ जाते हैं, फिर भटक गए भव सागर में। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं गुरु का अवहेलना कर रहा हूं। गुरु तो सर्वोपरि पूजनीय है, लेकिन क्यों? ये तो सोचो। तो तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि किसी व्यक्ति को पकड़ करके बैठो मत, उनका सहारा लो, उनके ज्ञान को समझो और समझ करके आगे बढ़ जाओ। और ज्ञान उतना ही नहीं है जितना हमारे गुरु ने बताया है। हमारे गुरु ने जितना बताया उससे कहीं बहुत ज्यादा ज्ञान दुनिया में है। इसलिए उदार बनने की आवश्यकता है और उदार बनकर दुनिया के जितने भी महापुरुष हैं सबको आदर और सम्मान देने की आवश्यकता है। संकुचित होने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के क्षेत्र में यही गड़बड़ी आती है। हम मान लेते हैं हमारे गुरु सबसे बड़े, ठीक है, मानना चाहिए। हम अपने गुरु को जब तक बड़ा नहीं मानेंगे तब तक उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगा। तो हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने गुरु को बड़ा तो माने, मानना चाहिए, लेकिन याद रखना दूसरे के गुरु को छोटा कहने का अधिकार आपको किसी ने दिया नहीं है। अपने गुरु को बड़ा मानो लेकिन किसी के गुरु को छोटा मत कहो। जहां दूसरे गुरु को आपने छोटा कहा वहां गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, फिर वहां विरोध शुरू हो जाएगा। दूसरे गुरु छोटे क्यों हैं? किस बात में छोटे हैं? क्यों छोटा माने उसको हम?
वो भी आदरणीय है, वो भी पूजनीय है, उनकी कुछ बातें अनुकूल नहीं लगती, छोड़ दें। इसलिए उदार बनने की आवश्यकता है। सबको आदर दें, सबको सम्मान दें, और जहां से अच्छाई मिले वो अच्छाई को ग्रहण करें। सद्गुरु कबीर का कहना है, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात न कीजिए कहें कबीर विचार। आपको निहार करके, खोज करके सबसे सार ग्रहण करो, पक्षपात मत करो। जहां पक्षपात आएगा हम सही ज्ञान से भटक जाएंगे, दूर हो जाएंगे। निष्पक्षता की आवश्यकता है। हमारे मत में यदि कोई गड़बड़ी है तो उसको भी हमें छोड़ना होगा। गड़बड़ी कहीं की हो, गलती कहीं की भी हो, उसको हम अपनाएंगे तो हमारा ही विनाश होगा। अच्छाई कहीं की भी हो, उस अच्छाई को ग्रहण करेंगे, हमारा उत्थान होगा। इसलिए हर जगह निष्पक्षता पूर्वक सार ग्रहण करने की आवश्यकता है। कबीर साहब ने भी कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जहां सार लगे छोड़ दे, जहां सार है उसे ग्रहण कर ले। और ये बात हजारों साल पहले ऋग्वेद के ऋषियों ने भी कही है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, सत्तुमेव तितोना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्र सखाया सख्या नि जानते भद्रसाम लक्ष्मी निहिता धीवाच। ऋषि कहते हैं, सत्तुम इव तितौना, जैसे सत्तु, सत्तु का मतलब समझ लो एक भुना हुआ आटा, पता नहीं है आंध्रा में सत्तु का प्रचलन है या नहीं है, बंगाल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत है, समझ लो आटा का है, समझ लो। जैसे चलनी से आटे को छान लिया जाता है, सत्तु को छान लिया जाता है, उसी प्रकार मन से वाणी को छाने। सक्तुम एतितोना पुनंतो यत्र धीरा मन पावाचमकृत, जैसे चलनी से सत्तु या आटे को छान लिया जाता है, उसी प्रकार विवेकवान मन से वाणी को छानते हैं और छान करके जो सार होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। जहां लोग मन से वाणी को छान कर ग्रहण करते हैं, अत्रा सखाया सखाने जानते भद्रसाम लक्ष्मी निहिता धीवाच, वहीं पर मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं और वहीं पर कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए उदार बने और निष्पक्ष बने। जब तक उदार और निष्पक्ष नहीं बनेंगे तब तक सत्य का मोती मिल नहीं सकता है। सरल बनना है, विनम्र बनना है। अब विनम्र बन करके सार सत्य को ग्रहण करना है। और जो सत्य होता है, ज्ञान होता है, वह किसी मत पंथ संप्रदाय का नहीं होता है। जैसे ये चांद और सूरज किसके हैं? चांद और सूरज को, धरती और आकाश को, हवा और पानी को आप किस मत का, किस संप्रदाय का, किस जाति का, किस वर्ण का, किस वर्ग का, किस मजहब का, किस देश वालों का कहेंगे? जैसे चांद और सूरज, धरती और आकाश, हवा और पानी सार्वभौमिक है, इनसे जो जितना उपयोग कर ले, इनसे जो जितना आत्मकल्याण लोक कल्याण के लिए काम कर ले उनका है। अब सूरज निकल गया है,
आंख बंद करके कमरा बंद करके हम अपने कमरे में बैठे हैं तो सूरज का क्या दोष? दोष तो हमारा है, हमें अपने कमरे से बाहर निकलना होगा, आंखें खोलनी होगी, तब सूरज का प्रकाश काम आएगा। ऐसे ही सत्य का ज्ञान है, चाहे ज्ञान कहो सत्य कहो या कुछ भी कह लो, वो सार्वभौमिक है। और कोई भी कहीं भी रह करके सत्य का ज्ञान पाया जा सकता है, पा सकता है। इसलिए कूपमंडूक नहीं बनना है, नहीं कि हमारा हिम्मत सत्य तक पहुंचाने वाला, हमारा हिम्मत मोक्ष देने वाला, ये अहंकार काम नहीं आएगा। जीव अनादि है, हमें मानते हैं कि जीव अनादि है, और अनादिकाल की दुनिया में ये जो जीव है पता नहीं किस किस मतपंथ संप्रदाय में गया होगा, और जहां गया ना कहा वो ये मेरा है यही सच है, जैसे तो वो छूट गया ना आज कभी छूट जाएगा। जीव किसी मतपंथ का नहीं है, जीव किसी संप्रदाय का नहीं है, जीव किसी जाति वर्ण का नहीं है, सबके भीतर बैठा हुआ जो चेतना है वो किस जाति का है, किस मत मजहब का है, सार्वभौमिक। इसलिए उदार बनने की आवश्यकता है, अपने गुरु को आदर दें और दूसरे के गुरु को भी आदर दें। जो व्यक्ति दूसरे के गुरुओं को आदर नहीं दे सकता वह व्यक्ति अपने गुरु को भी अभी तक समझा ही नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था गुरु ज्ञान होता है, गुरु त्याग होता है, गुरु सत्य होता है, और सब मत मजहब का है। जो सच्चे गुरु होते हैं कहीं के भी यदि हैं, वो ये कभी नहीं कहेगा कि बेटा हमें ही मानना दूसरों को ना मानना। और ध्यान रखिए, कोई गुरु यदि ये कहता है कि दुनिया का सारा ज्ञान हमारे यहां है, वो गुरु झूठा है, अभी सत्य को समझा ही नहीं है। गुरु, मैंने कहा गुरु व्यक्ति नहीं होता, शरीर नहीं होता है, लेकिन शरीर के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, इसलिए शरीर की भी पूजा सेवा करने की आवश्यकता होती है। सच्चे गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है। साहब बता रहे थे भी कि जीव के तीन मित्र होते हैं, सद्गुरु, शांति और मृत। तब सद्गुरु कौन है? किसे हम सद्गुरु माने, पहचान क्या है? कोई सिंक पूछ है, कोई थर्मामीटर है कि मुंह में डाल दो पता चल जाए हाँ ये गुरु सही गुरु है? कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई नहीं है। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? ज्ञान से ही हो और आचरण से ही हो, ये दो चीज इसमें हैं, सही ज्ञान, सही आचरण। आचरण को आप त्याग और वैराग्य कह लो, सही ज्ञान है और सही वैराग्य है, वो सच्चे गुरु हैं। सही ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञान प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है और विवेक युक्त है, वह ज्ञान सही ज्ञान है। और ऐसे सही ज्ञान में अंधविश्वास नहीं होता, भ्रम नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, मिथ्या महिमा नहीं होती, और पाप काटने के लिए सस्ते सस्ते उपाय नहीं होते। ऐसा सही ज्ञान जिसके पास हो, और फिर सही आचरण हो, सही त्याग वैराग्य हो, ये दोनों जिसके पास है वो गुरु है। चाहे मेरे कपड़े में हो, चाहे आपके कपड़े में हो, चाहे ये देवियों के कपड़े में हो, किसी भी कपड़े में गुरु हो सकता है।
ये धोखा नहीं रखना कि हमारे कपड़े में गुरु हो सकते हैं, आप कपड़े में भी होते हैं, किसी भी कपड़े में, लाल कपड़े में, पीले कपड़े में, सफेद कपड़े में, बिना कपड़े में। इसलिए उदारता की आवश्यकता है, इसलिए निष्पक्षता की आवश्यकता है। और कबीर साहब ने यही निष्पक्षता की बात कही है, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान। आवश्यकता है निष्पक्षता की। अब थोड़ी सी चर्चा कबीर साहब की एक साखी के आधार पर मैं करूंगा, 25 मिनट। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानहु जग जीवन, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना, पानी मांगिन पी। यदि दुनिया में जीने की कला जानते हो और उस जीव को भी जानते हो जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, तो अब तक जितना पानी पी चुके हो वो सबको पचा डालो और फिर से पानी मांग करके ना पियो। यहां पानी का मतलब है गलत संस्कार। अब तक जितने गलत गंदे संस्कार बना चुके हो सब विवेक द्वारा मिटा दो और जीवन को इस प्रकार से जियो कि फिर से कोई गलत संस्कार मन में बनने ना पाए। पहली बात है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। वो क्या है? अनेक कलाएं हैं दुनिया में, वास्तुकला, हस्तकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, पाक कला, अब पता नहीं कौन कौन सी कला, नृत्य कला, संगीत कला, वाद्य कला, तमाम कलाएं हैं। सभी कलाओं का अपना मूल्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कला है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला क्या है? ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, बुद्धि बढ़ती जाए, त्यों त्यों हमारे मन का दुख घटता जाए, सुख बढ़ता जाए, शांति बढ़ती जाए, प्रसन्नता बढ़ती चली जाए। हमने बहुत कुछ कमाया, दुख नहीं घटा, सुख घट गया, तो कमाने का अर्थ क्या हुआ? किसी भी व्यापार की सफलता इस बात में है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, मुनाफा बराबर बढ़ते चले जाना, रोज मुनाफा होते जाना, तब तो व्यापार चलेगा। मुनाफा तो बढ़ा ही नहीं, मुनाफा हो ही होना ही बंद है, रोज रोज घाटा होता चला जा रहा है, तो ये व्यापार चलेगा कब तक? कुछ दिनों में दिवाला निकल जाएगा और व्यापार ही बंद हो जाएगा। ये बात सब अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन क्या यही बात जीवन के लिए लागू करते हैं? हमारा जीवन भी एक व्यापार है। इस जीवन व्यापार में सब कुछ उल्टा हो रहा है। बचपन में मन में जो प्रसन्नता रहती है, उल्लास रहता है, निश्चिंतता रहती है, चेहरे में जो सौम्यता और रहती है, चमक रहती है, जवानी आते आते बचपन की प्रसन्नता बहुत कुछ गायब हो जाती है, सरलता गायब हो जाती है, जवान कुटिल हो जाता है, छलकपट हो जाता है मन में। जवानी में भी थोड़ी बहुत प्रसन्नता रहती है, जवानी में शरीर में बल होता है, इंद्रियां सबल होती है, दुनिया के कुछ भोग आदमी भोग लेता है, चलो वो भी चलता है,
बुढ़ापा आते आते तो दिवाला निकल गया होता है। चिंता, शिकायत, खीज, बस ये बूढ़े की संपत्ति बन करके रह जाती है, पूरा दीवाना निकल गया। क्यों? जो काम करना चाहिए वह काम हमने नहीं किया, बाहर सबको संभालने का काम किया, अपने को संभालने का काम, जीवन को संभालने का काम हमने नहीं किया। याद रखें, बाहर से जो सुख मिलेगा एक आभास होगा, भ्रम होगा, और बाहर जो भी सुख मिलेगा वो झूठा सुख मिलेगा, सच्चा सुख नहीं मिलेगा। सच्चा सुख तो मन की निर्मलता में है, सच्चा सुख मन की एकाग्रता में है, छल कपट रहित होने में, ईमानदारी में है। छोटे बच्चों को देखें आप, भले हम उसे नादान कहते हैं, बुद्धिहीन कहते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का मन कितना सरल, कितना साफ पाक और कितना ईमानदार। बच्चों के मन में छलकपट नहीं होता, जो बाहर सो भीतर, जो भीतर सो बाहर। अब बड़े हो गए तब बाहर कुछ भीतर कुछ, यही गड़बड़ी हमें चैन से सोने नहीं देती, चैन से जीवन जीने नहीं देती। कबीर साहब ने कहा है, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहु मोही नहीं जाना। जिसके मुख में कुछ और बातें हैं और हृदय में कुछ और बातें हैं, वह व्यक्ति सपने में भी सत्य को, परम तत्व को, अपने आप को, परमात्मा को, ब्रह्म को, कुछ भी कहो, समझ नहीं सकता है। ईमानदारी क्या हो सकता है? और हमारा क्या है, हम भीतर से बेईमान बन गए हैं, मन में कुछ और बाहर से कुछ और। कोई सामने आता है, हम मुंह से कहते हैं आइए आइए पधारिए, बड़ी कृपा किए, कैसे दर्शन दिए, बैठिए बैठिए, और मन क्या कहता है, ये आदमी क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए। होता या नहीं होता है, जब देखना। सरल मन तो मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने हो काहु मोहि नहीं जाना। ताहा कहते हैं मुख में कुछ और हृदय में कुछ और, वो सपने भी सत्य तत्व को समझ नहीं सकता। समझेगा कौन? मुख हृदय जाके एके होई, कहे कबीर पद बूझे सोई। जिसके मुख और हृदय में एक जैसी बात है, जो जैसे मुख में जैसे हृदय में, कहना चाहिए जैसे कथनी है वैसी करनी है। कथनी और करनी की एकता जब हो जाती है, साहब कहते हैं तब वह सत्य तत्व को, मोक्ष तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, जीव तत्व को समझ सकता है। मैं कह रहा था बच्चों का मन छल कपट रहित होता है, बच्चों के मन में कोई गांठ नहीं बनती है। सबका अनुभव होगा आप लोगों का, दो छोटे छोटे बच्चे हैं पड़ोस के, कहीं के भी, दोनों बच्चे आपस में खेलते हैं, खेलते खेलते झगड़ा भी कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, एक दूसरे के गाल को बाल को नोच भी देते हैं। अब फिर झगड़ा हुआ, एक दूसरे को मारे पीटे, अपन रोते रोते अपने अपने घर में चले भी जाते हैं। आधा घंटा व्यतीत तो हुआ, दोनों अपने अपने घर से निकले, फिर खेलने लग गए, भूल गए कि अभी आधा घंटा पहले हम लोगों ने झगड़ा किया था। गांठ नहीं बनी उनके मन में, और हम लोग कितनी कितनी गांठ बना करके रखते हैं, कितनी कितनी गांठ, पुरानी पुरानी गांठ। ये गांठ ही चुभती है, ये गांठ हमें सुख से जीने नहीं देती है। उन्होंने मुझे ऐसा कहा था, 2 महीने पहले ऐसा कहा था, 2 साल पहले ऐसा कहा था, 4 साल पहले ऐसा कहा था, पुरानी पुरानी बात, 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले उन्होंने मुझे ऐसा कहा था,
दस साल पुरानी बात को भी हम गांठ बांध कर मन में रखे रहते हैं। महीना बदलता है, आदमी कैलेंडर का पन्ना बदल देता है, सोचता महीना खत्म हो गया, इस पन्ने की आवश्यकता नहीं है। महीना बदलता है, आदमी कैलेंडर का पन्ना बदल देता है, साल बदलता है, कैलेंडर ही बदल देता है। पुराने कैलेंडर को खूंटी पर टांग करके रखता नहीं है आदमी, लेकिन दो साल, चार साल, पांच साल, दस साल पुरानी बात को दिल की खूंटी में रखा था। पांच साल पहले छोटे भाई ने मुझे ये कहा था, दस साल पहले मेरे पड़ोसी ने मुझे ये कहा था। पुराने पुराने बात को हम दिल की खूंटी में टांग करके रख रहे हैं, कहां सुख से सोओगे, सुख से जियोगे कैसे? हमारा दुख का कारण, तनाव का कारण, पीड़ा का कारण यही चीज है। ये जो खूंटी में टांग करके रखे हुए हैं पुरानी पुरानी बातों को, गांठ बना करके रखे हुए हैं, इन्हीं गांठों को खोलना ही भजन। सुबह मैंने कहा था भजन क्या है, ये मन में जो गांठ बनी हुई है इन गांठों को खोलना भजन है। पुरानी बातों को जो दिल की खूंटी में टांग कर रखे हैं उन बातों को दिल की खूंटी से टांग निकाल कर फेंक देना भजन है। सुख से जीना है तो यही करना होगा। बैकुंठ की चर्चा आप सुनते होंगे, बैकुंठ वास कितना बढ़िया, कब? मरने के बाद। हर भारत में, भारत क्या दुनिया में, हर आदमी स्वर्ग में निवास चाहता है, हर आदमी बैकुंठ वास चाहता है, लेकिन कब? मरने के बाद। बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल धोखा। जीते जी नरक में निवास कर रहे हो तो मरने पर बैकुंठ कहां से मिलेगा? जीते जी बैकुंठ। और कहां? जहां आप बैठे हैं इस समय वही बैकुंठ। कहीं भी बैकुंठ हो सकता है, कहीं भी किसी क्षण बैकुंठ हो सकता है। बैकुंठ का अर्थ क्या होता है? विद्वान लोग कहते हैं बैकुंठ का शुद्ध शब्द है विकुंठ। वि एक उपसर्ग है जो कि शब्द के पहले लग करके उस अर्थ को घटाता है, बढ़ाता है। वि कहते हैं नहीं को, और कुंठ कहते हैं कुंठा को, कुंठा रहित मन, कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड, ये बैकुंठ वास है। निर्ग्रंथ मन, कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है मन में, किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं है। जहां बैठे हैं आप वहां बैकुंठ आपके लिए, और हमारा मन कॉम्प्लेक्सेस से भरा हुआ है, तमाम गांठ, तमाम ग्रंथियां मन में बनी हुई है। इन गांठों को जो खोलना है, तमाम कॉम्प्लेक्सेस जो मन में बने हुए हैं इनको दूर कर देना है, इसी का नाम भजन करना है। और यही सुख से जीने की कला है, ये जीवन जीने की कला है। पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में अध्यात्म की प्राचीनतम पुस्तकें हैं उपनिषदें, जो हमारे देश की, हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों के की हमारे लिए एक धरोहर है। उसमें कुछ ऐसी बातें भी है जो आज के जमाने के लिए लागू नहीं होती है, लेकिन शाश्वत बातें हैं। उन उपनिषदों में एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। छह ऋषियों ने पिपलाद ऋषि से प्रश्न किया है, उन ऋषियों के प्रश्नों को उत्तर देते हुए ऋषि प्रहल पिपलाद में एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा है। तेसा मसो विरजो ब्रह्मलोको न ऐसे जीहम मृतम न माया चेत। निर्मल ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मलोक कहां? वो ब्रह्मलोक कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर है, आपकी चेतना है, आपका होना है, आपका एग्जिस्टेंस है। तो निर्मल ब्रह्मलोक किसके लिए है?
एसाम न जीवम मृतम न माया चेत। जिसके मन में कुटिलता नहीं है, झूठाई नहीं है और माया अर्थात छल कपट नहीं है, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है। ये कैसे होगा? जब हमारा मन सरल होगा, विनम्र होगा, गांठ रहित होगा और ईमानदार होगा। आपने क्या कमाया, आपने क्या पाया, आप क्या बन गए, ये बिल्कुल ही मूल्यहीन है। इनसे आपके जीवन का निर्माण विनाश कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या हैं यह महत्वपूर्ण है। आपको होना महत्वपूर्ण है। आप, आपके पास और आप दोनों में बड़ा अंतर है। हम क्या हैं ये महत्वपूर्ण है, हमारे पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। और हमारी दृष्टि क्या है, हमारे पास। हमारे पास के जो चीजें तो आती जाती रहती है। हम क्या है, हमसे अर्थ है हमारे जीवन का आचरण और व्यवहार। हमारे अर्थ है बाहर की चीजें, बड़ा धन, बड़ा पद, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी गद्दी, बड़ी विद्या, ये हमारा है। इससे हमारे जीवन का उत्थान पतन नहीं होने वाला है। हम क्या है, हमारे जीवन का आचरण क्या है, यह देखने की बात है। और एक बात और ख्याल रखें, हर आदमी के मन में बड़ा बनने की कामना होती है, मैं बड़ा बनूं, आगे बैठने की कामना होती है, ऊपर बैठने की कामना होती है। ये तो व्यवहार है। देखो आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हम लोग आप लोगों से ऊंचे बैठे हैं, कम से कम एक दो फीट तो ऊंचे आप लोगों से बैठे ही हैं। और हम ये मान लें ये जो नीचे बैठे भाई जो लोग हैं ये लोग छोटे हैं, हम इनसे ऊपर बैठे हैं हम बड़े हैं। क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं इसलिए हम बड़े हैं। यदि ऊपर बैठने वाला आदमी बड़ा होता है तो मेरे सिर में बैठने वाला मक्खी तो मुझसे भी बड़ी होगी ना। छत पर कोई कौवा बैठा होगा तो वो कितना बड़ा होगा, वो कौवा छत पर बैठा हुआ है कितना ऊपर है। ये ऊपर नीचे बैठना ये तो समाज की एक मर्यादा है। अभी ऊपर बैठा है, अभी हम नीचे चले जाएंगे, जमीन पर बैठ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। कौन कहां बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसकी दृष्टि कहां है, जीवन का आचरण कैसा है। उदाहरण से समझ लें, चील आपने देखी होगी, चील जैसे गिद्ध भी कहते हैं जो मुर्दा जानवर का मांस खाता है। चील आकाश में उड़ती है, बहुत ऊपर जाती है चील, आकाश 40-50 हजार फीट ऊपर चली जाती है चील। आकाश निर्मल है, निर्मल आकाश में हजारों फीट की ऊंचाई पर चील उड़ रही है। लेकिन याद रखना, निर्मल आकाश में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले चील की दृष्टि सदैव जमीन पर पड़े मुर्दे पर होती है कि कहां जाना पड़ा है, मुर्दे पर तुरंत पहुंच जाते हैं। उड़ती है आकाश में, दृष्टि होती है जमीन पर पड़े मुर्दे पर। इसकी विपरीत चकोर पक्षी होता है, चकोर पक्षी रहता है जमीन पर और दृष्टि होती है आकाश में गए चंद्रमा पर। तो कहां है यह महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टि कहां है।
मन कहाँ है, मन कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। इसी मन को सुंदर बनाना, इसी दृष्टि को सुंदर बनाना, इसी का नाम है भजन करना। तो मैं कह रहा था कि हम क्या हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमारे क्या है, हम महत्वपूर्ण है। जीवन का आचरण उसको सही बनाना, ये जीवन की कला है। मैंने कहा था कि बचपन में हमारे मन में जो प्रसन्नता रहती है, जो उल्लास रहता है, जवानी में खत्म, अब बुढ़ापा में दीवाला निकल जाता है। जीवन जीने की कला क्या है, हर समय मन आनंद से भरा होना, प्रसन्नता से भरा होना, उल्लास से भरा होना, कोई पश्चाताप ना होना। जीवन तो हम और आप सब जी रहे हैं। किसी व्यक्ति से पूछो कि इतना जीवन आपने जिया, वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, आप अपने जीवन को सही जी रहे हैं या गलत जी रहे हैं, किसी से पूछिए एकाएक। कोई कहेगा कि मैं जीवन को गलत जी रहा हूं, कोई नहीं कहेगा। हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैं जीवन को सही जी रहा हूं। अब पूछिए उनसे कि आप जीवन को सही जी रहे हैं, इसकी कसौटी क्या है, किस आधार पर आप कह रहे जीवन को सही जी रहे हैं। वो कहेगा, देखो मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया, मेरे पिताजी एक झोपड़ी छोड़ कर गए थे, मैंने बड़ा भवन खड़ा कर दिया। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान छोड़ कर गए थे, मैंने व्यापार खूब बढ़ा लिया। अपने बच्चों को मैंने खूब पढ़ा लिया, बड़े 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 नौकरी में भेज दिया। मैं ये बन गया, मैं MLA बन गया, MP बन गया, मंत्री बन गया, मैं इतना बड़ा विद्वान बन गया। क्या ये जीवन जीने की सफलता नहीं, कसौटी नहीं है, ये कुछ सफलता नहीं है। बाहर बाहर सब कल्पना करो कि यदि अभी मौत आ जाए, आएगी मौत कभी न कभी तो आएगी, कब आएगी पता नहीं, लेकिन कल्पना करो अभी मौत आ जाए और मौत हमसे कहे कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम मेरे साथ चल। मौत को सामने खड़ी देख करके यदि हमें ये लगता है कि ठीक है तो आ गई, अच्छा क्या मैं तैयार हूं, मौत को सामने खड़े देखकर कोई भय नहीं हुआ, कोई चिंता नहीं हुई, ये लगा कि मानव जीवन पा करके जो मुझे करना चाहिए तो मैंने कर लिया, कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, तब समझना जीवन को आप सही ढंग से जी रहे हो। और मौत सामने खड़ी हुई, कहे चलो मेरे साथ लेने आई हूं, चिंता भय रोने लग गए, अरे ये काम बाकी वो काम बाकी, जो करना चाहते नहीं करना, तो समझना जीवन को आप गलत जी रहे हैं। झांक कर देखिए भीतर में क्या दशा है मन की। जब तक हमारा मन सही नहीं होगा तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता है। मन ही मूल है। जिस आदमी का मन बढ़िया हो गया उस आदमी का सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो जीवन जीने की कला क्या है, निर्मल मन, पवित्र मन, प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ मन, ईमानदार मन, गांठ रहित मन, कोई पश्चाताप नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। जो काम करना है उचित आप करते चलो, कभी भी अपने कर्तव्य से जी मत चुराओ। जहां है परिवार में है, पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, माता पिता के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, समाज के लिए, जो कर्तव्य है ईमानदारी पूर्वक करते चलो। उसमें यदि जी चुराओगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। लेकिन ये सब करते हुए ये सोचते रहो कि आजकल मुझे दुनिया से जाना है, मेरा मन कैसा है,
उस मन को भी देखते चलो, और मन निर्मल है, निर्विकार है, पवित्र है, तो जीवन जीने की सबसे बढ़िया कला ही। इस कला का भाव में हम कहीं चले जाएं, सुख से जी नहीं सकते। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानो जग जीना। क्या दुनिया में जीने की कला जानते हो? तमाम कला में आप माहिर हैं, जीवन जीने की कला भी सीख लें। सुंदर व्यवहार, पवित्र मन, प्रसन्नता से भरा मन, हम जो कुछ करते हैं सबका अंतिम रिजल्ट यही होना चाहिए। और जिसने ऐसा कर लिया उसका मानव जीवन पाना सफल हो गया। इसी के लिए संतों गुरुजनों का हम लोगों के लिए आदेश है, उनके आदेशों को समझें, जीवन में उतारें और प्रसन्नतापूर्वक आनंद के साथ जीवन व्यतीत करें। यही हम जो कुछ करते हैं सबका फल होना चाहिए। इस समय आज यहीं पर अपनी वाणी को अब मैं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय।